गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा, वेलकम टू प्रिया आईटीआई। हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर रहते हैं और आज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट करें। आपको पता है जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के बहुत से बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चल जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट ज़रूर होता है। अगर हम पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अब वो किसी भी क्वेश्चन पेपर में 10% क्वेश्चन रिपीटेड होता है, पिछले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए कितने फेज की सप्लाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अगर आरएमएफ पैदा करना है तो हमें कितने फेज की सप्लाई की ज़रूरत होगी। ऑप्शन ए है हमारा सिंगल फेज, ऑप्शन बी है टू फेज, ऑप्शन सी है थ्री फेज, ऑप्शन डी है कोई भी, नन ऑफ दीस। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसा होता है? स्थिर मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें आरएमएफ होता है, मतलब कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्लक्स होता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है और इसमें जो फ्लक्स होता है वो स्टेशनरी नेचर का होता है, मतलब कि स्थिर होता है। स्थिर मैग्नेटिक फ्लक्स होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी स्टेशनरी होता है, वो भी रोटेटिंग नहीं होता। और अगर मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग नहीं होगा तो हमारा रोटर घूमेगा कैसे? रोटर को घूमने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसीलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि हमें उसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आरएमएफ पैदा करना पड़ता है और आरएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग जोड़ते हैं। तो कितने फेज जोड़ते हैं? एक सिंगल फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, मतलब सिंगल फेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम टू फेज की बात करें तो एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, यानी कि हमने दो फेज जोड़ दिया। और जब हम दो फेज जोड़े तो इसमें आरएमएफ पैदा हो गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कि अगर हम टू फेज की सप्लाई जोड़ेंगे तो आरएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? टू फेज। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आरएमएफ पैदा करने के लिए हमें टू फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है? निम्न में से कौन से मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है? ऑप्शन देखिएगा,
ऑप्शन ए है हमारा शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर। ऑप्शन बी है हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन सी है हमारा कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ऑप्शन डी है हमारे पास कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो क्या पूछा है कि किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। आपको पता ही है कि सेडेड पोल मोटर का तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही लो होता है, तो हम इसकी तो बात ही नहीं कर सकते। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, लेकिन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में किस मोटर की बात की गई है ये तो लिखा ही नहीं, और ये तीनों ही स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आते हैं, तो यहाँ से ये भी नहीं क्लियर होता है। उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे हाई होता है, और अगर आपको ऑप्शन में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर दिया होता तो हम उसी को टिक करते हैं, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात करेंगे। इसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मोटर का, निम्न में से किस मोटर का पावर फैक्टर हाई होता है। निम्न में से किस मोटर का पावर फैक्टर हाई होता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ऑप्शन बी है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ऑप्शन सी है शेडेड पोल मोटर। और ऑप्शन डी है हमारे पास रिलक्टेंस मोटर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की अगर हम बात करेंगे तो इसका तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है और ये स्टार्ट और लो स्टार्टिंग करंट होती है। ठीक है, शेडेड पोल मोटर का तो न स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, हाई स्टार्टिंग करंट भी होता है, इफिशियंसी भी लो होता है, पावर फैक्टर भी लो होता है, इसीलिए इसका यूज़ हम क्या बहुत ही कम करते हैं। अगर रिलक्टेंस मोटर की बात की जाए तो इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। तो पूछ क्या रहा है कि पावर फैक्टर हाई होता है, तो किसका पावर फैक्टर हाई होता है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का। अगर ऑप्शन में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होता तो हम वही टिक करते। ठीक है, ये टिक नहीं करते क्योंकि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में सबसे अच्छा मोटर वही होता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सैडेड पोल मोटर की इफिशियंसी कितनी होती है, सैडेड पोल मोटर की इफिशियंसी कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए है 2-5%, ऑप्शन बी है 5-15%, ऑप्शन सी है 5-10%, ऑप्शन डी है 5-35%। तो इसमें आप ऑप्शन क्या होगा, 5-35%। ठीक है, किसकी इफिशियंसी, सैडेड पोल मोटर की इफिशियंसी। सैडेड पोल मोटर मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि कॉपर के रिंग के द्वारा पोल्स जो होती हैं उसके
किनारे भाग में कॉपर की रिंग के द्वारा इसको शॉर्ट कर देते हैं, जिसको हम शेडेड रिंग कहते हैं, शेडेड पोल कहते हैं, शेडेड कॉयल कहते हैं, शेडेड पोर्शन कहते हैं। बाकी जो पोर्शन बचता है पोल का उसको अनशेडेड पोर्शन कहते हैं, अनशेडेड कॉयल कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो शेडेड टू अनशेडेड चलता है। कैसे चलता है? शेडेड पोल टू अनशेडेड पोल, ठीक है। और अगर फ्लक्स की बात करेगा तो फ्लक्स अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल चलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन था कि शेडेड पोल मोटर की इफिशियंसी कितनी होती है, तो 5 to 35% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेजों का अंतर होता है। देखें, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं आप, मेरे ऑप्शन लिखने से पहले ही ऑप्शन सोच सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर है, उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेजों का अंतर पूछ रहा है। तो अगर आपको नहीं भी याद है और अगर डायग्राम याद है तो आप उससे भी बता सकते हैं। कैसा होता है? ये होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग, ठीक। ये क्या है हमारा? रनिंग वाइंडिंग है। ये क्या है हमारा? स्टार्टिंग वाइंडिंग है। यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर जोड़ा है जिसको हम क्या कहेंगे? सी आर। और यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर जोड़ा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सी एस, ठीक है। यही होता है। उसके बाद यहाँ पे हम उसे वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए वी वोल्ट दे रहे हैं। अब देखिए, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो इसमें पतले वायर का होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होंगे, रेजिस्टेंस अधिक होगा और इम्पीडेंस जो होगा वो कम होगा, या फिर इंडक्टेंस भी कम होगा। इसी तरह ये रनिंग वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इंडक्टेंस हाई होगा, ठीक है। बीच में क्या है हमारा? ये रोटर है, रोटर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वाइंडिंग हमने की है, ये मेन वाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। दोनों के बीच में इसके सीरीज में कौन जुड़ा है? सीआर, यानी कि रनिंग कैपेसिटर जुड़ा है। और पैरेलल में क्या जुड़ा है? स्टार्टिंग कैपेसिटर जुड़ा है। सर्किट को अलग किसे किसे होना है? एक स्टार्टिंग वाइंडिंग को और स्टार्टिंग कैपेसिटर को, सर्किट से अलग होना है। तो ये काम किस पे करने लगेगा? सिर्फ इस पाथ पे काम करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एज अ परमानेंट इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? एज अ परमानेंट इंडक्शन मोटर। फेजों का अंतर पूछ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये रनिंग वाइंडिंग है, दोनों के बीच फेजेस का अंतर कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप डायग्राम से इस बात को समझ सकते हैं। डायग्राम याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 45 डिग्री, बी है 15 डिग्री, सी है 90 डिग्री और डी है 120 डिग्री, ठीक है। तो और एक बात और, अगर दो फेज की बात हो रही है तो वहाँ पे 90 डिग्री होगा, अगर थ्री फेज की बात होती तो थ्री फेज होता तो 120 डिग्री होता। तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में दो फेजेस की बात हो रही है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की और एक रनिंग वाइंडिंग की, तो यहाँ पे के बीच फेजों का अंतर कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा? 90 डिग्री होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, यदि सिंगल फेज यदि कैपेसिटर स्प्लिट फेज कर देते हैं, यदि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर कैपेसिटर शॉर्ट कर जाए, शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर जो लगाए हैं हम, वो शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए है हमारे पास, मोटर जल जाएगी, मोटर जल जाएगी। ऑप्शन बी है, मोटर की घूर्णन गति, मोटर की घूर्णन गति कम हो जाएगी। ऑप्शन सी है हमारे पास, मोटर स्टार्ट नहीं होगी, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। ऑप्शन डी है हमारे पास, मोटर स्टार्ट होगी, मोटर स्टार्ट होगी परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में घूर्णन करेगी, विपरीत दिशा में घूर्णन करेगी। ठीक है, तो देखिए जो कैपेसिटर लगा हुआ है अगर वही शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा? मोटर जलेगी? जलेगी तो नहीं, इतना तो कंफर्म है। मोटर अच्छा, हम कैपेसिटर लगा क्यों रहे हैं? मोटर को स्टार्ट करने के लिए ही तो लगा रहे हैं ना, और अगर वही कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। उस जब चलेगा तब तो उसकी घूर्णन गति कम होगी या विपरीत होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम स्टार्टिंग कैपेसिटर ही, जिसको हम बोल रहे हैं, जिस कैपेसिटर का यूज़ हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए ही कर रहे हैं, आरएमएफ पैदा करवाने के लिए ही कैपेसिटर लगा रहे हैं, तो इसलिए अगर वही शॉर्ट हो जाएगा कैपेसिटर तो इंडक्शन मोटर जो होगी वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज इंडक्शन, यदि एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का लैगिंग कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का पीएफ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 0.8 लैगिंग, ऑप्शन बी है 0.2 लैगिंग, ऑप्शन सी है, देखिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का पीएफ होता है 0.6 लैगिंग। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।